आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे कौन से जो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है क्या। तो नाम से ही पता लग रहा है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। जितने भी मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उन सभी स्पीशीज को जो है कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ जो किसी ये जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं हमारी अर्थ में, इनकी केयरफुल प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और इनका एफिशिएंट यूज जो है वो सब जो है किसमें देखा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें मदद करती है अर्थ की जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को प्रिजर्व करने में, साथ ही साथ हमारी अर्थ के ऊपर जो हार्वेस्टिंग का, या हम जो इन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इनका जो हार्वेस्टिंग का जो बैलेंस है उसे एस्टेब्लिश करने में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक मेजर रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की टाइप्स की। तो सबसे पहले हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो तरह से जो है कंजर्व किया जाता है। सबसे पहले आता है इनसीटू कंजर्वेशन और दूसरे नंबर आता है एक्ससीटू कंजर्वेशन। तो ये जो इनसीटू कंजर्वेशन है इसे ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता है, और ये जो एक्ससीटू कंजर्वेशन है इसे ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है यानी जो ऑन साइट कंजर्वेशन है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी नेचुरली पाई जाती है उसी एरिया में उसे बचाया जाता है। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को की इन सीटू कंजर्वेशन की जाती है। तो इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, हॉटस्पॉट्स, वेटलैंड्स और सेक्रेट ग्रुप्स। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये कंट्रीज एस्टेब्लिश करती हैं और इन्हें रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और बात करें इंडिया की तो इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 700 बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन्हें तीन डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जोन आता है ट्रांजिशन जोन, और दूसरा आता है बफर जोन, और तीसरा आता है कोर जोन। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि रहना, वहाँ पर कोई प्राइवेट लैंड ओन करना, और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें अलाउ किया जाता है। उसके बाद बात करें बफर जोन की, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है एक्सेप्ट कुछ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस हैं जिनकी वजह से जो बफर जोन में एंट्री अलाउड होती है। अब बात करते हैं कोर जोन की, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो बात करें इंडिया के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में एस्टैब्लिश किया गया, और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाद कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं जैसे कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो असम में है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में पाया है, और साथ ही साथ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अंडमान और निकोबार में है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में लगभग 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये बनाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और यहाँ पर एनिमल हैबिटेट्स को और उनके सराउंडिंग एरिया को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, और बाकी सब जो डिस्टर्बेंसेज हैं उनसे बचाया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग जो है पूरी तरह से बैंड है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है। उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एश्योर किया जाता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंफर्टेबल लिविंग जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके बाद साथ ही साथ एग्जांपल्स की बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वो हैं जैसे कि भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो उड़ीसा में है, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की।
तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं इन्हें गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और नेशनल पार्क्स का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और किसी भी वाइल्ड एरिया के फ्लोरा और फौना को बचाना, और साथ ही साथ वहाँ का जो नेचुरल बैलेंस है उसे रिस्टोर करना, साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ है और बायोडाइवर्सिटी है उसकी बेटरमेंट का काम भी नेशनल पार्क में किया जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सब जो है यहाँ पर अलो नहीं की जाती हैं, यहाँ पर टोटली प्रोहिबिटेड हैं ये एक्टिविटीज़। उसके साथ साथ जो नेशनल पार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के लिए जानी जाती हैं। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेशनल पार्क की बात करें तो वो है ग्रीनलैंड, और इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, और इंडिया की सबसे छोटी नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। तो ये जो हॉटस्पॉट्स हैं ये ऐसे बायोजोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर स्पीशीज एंडेमिज्म भी बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो स्पीशीज मिलती हैं वो किसी और एरिया में नहीं मिलती। उसके बाद स्पीशीज रिचनेस भी बहुत ज़्यादा है हॉटस्पॉट्स की, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो हॉटस्पॉट्स में देखने को मिलती हैं। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 36 हॉटस्पॉट्स हैं, और जिनमें से 4 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर आपको इन हॉटस्पॉट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो हॉटस्पॉट्स पे बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं वेटलैंड्स की। तो ये जो वेटलैंड्स हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जो वाटर से कवर्ड रहते हैं, और या तो ये सीजनली वाटर से कवर रहते हैं और या तो ये पूरा साल वाटर से कवर रहते हैं। और ये जो वेटलैंड्स हैं ये डिक्लेयर की जाती हैं रामसर कन्वेंशन 1971 के अंडर, और इंडिया में कुछ वेटलैंड्स हैं जैसे सुंदरवन वेटलैंड्स जो वेस्ट बंगाल में हैं, और चिल्का लेक जो उड़ीसा में पाई जाती है। और ये जो वेटलैंड्स हैं यहाँ पर कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को ये सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए इन वेटलैंड्स को जो है बचाया जाता है। उसके बाद सेक्रेट ग्रूव्स की बात करें तो ये एक ऐसे एरियाज हैं जो किसी पूजा या किसी धार्मिक स्थान के आसपास का जंगल होता है उसे हम सेक्रेट ग्रूव्स कहते हैं, तो ये भी जो है वाइल्ड जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन की, यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन की। ये एक ऐसी कंजर्वेशन है जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट किया जाता है। इस कंजर्वेशन में एंडेंजर्ड स्पीशीज की वैरायटीज को, ब्रीड्स को, चाहे उनके या तो उनके पार्ट्स को, जर्म प्लाज्म को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया जाता है। और काफ़ी सारी अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू एक्सीटू कंजर्वेशन की जाती है, जैसे कि जूज हो गई, कैप्टिव ब्रीडिंग हो गई, एक्वेरियम हो गया, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, जीन बैंक्स हो गए, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं जूज की। तो जूज या जूलॉजिकल गार्डन्स ऐसे एरियाज हैं जहां पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से लाकर एनक्लोजर्स में रखा जाता है, और यहां पर एंडेंजर्ड स्पीशीज की ब्रीडिंग भी करवाई जा सकती है, और उसे जिससे उनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज किए जा सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कैप्टिव ब्रीडिंग। तो कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या किया जाता है कि जो एंडेंजर्ड या काफ़ी थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें बाहर से उनके नेचुरल हैबिटेट से लाकर उनके एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए उन्हें वहां पर रखा जाता है और उन्हें ब्रीड करवाया जाता है और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है। और अब बात करते हैं एक्वेरियम की। तो ये एक्वेरियम है ये ऐसी जगह होती है, यहां पर आप एक्वेरियम जानते ही हैं सभी की, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की, एक्वेटिक एंडेंजर्ड स्पीशीज की ब्रीडिंग करवा के उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बोटैनिकल गार्डन्स की। तो ये बोटैनिकल गार्डन्स जो है लिविंग प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, और यहाँ पर ग्रीन हाउसेज हो सकते हैं, कंजर्वेटरीज हो सकती हैं, यहाँ पर जो है एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जीन बैंक की। तो जीन बैंक में आप समझते होंगे जैसे
जीन्स से रिलेटेड ये जो है स्टोरेज एरियाज होते हैं, यहाँ पर जीन बैंक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सीड जीन बैंक्स। तो सीड जीन बैंक्स में सीड्स को स्टोर किया जाता है, काफ़ी लंबे समय के लिए सीड्स स्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद फील्ड जीन बैंक्स हो गए, यहाँ पर फील्ड जीन बैंक्स में लाइव प्लांट्स यानी जिंदा प्लांट्स को स्टोर किया जा सकता है, यहाँ पर रखा जाता है और उन्हें बचाया जाता है। उसके बाद इन विट्रो जीन बैंक्स होते हैं जिनमें प्लांट टिश्यूज को या सेल्स को रखा जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं और फिर उसके बाद जीन बैंक्स में पोलन्स हो गए, क्रोमोसोम हो गए, डीएनए बैंक्स हो गए, इनको बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर पर प्लांट्स के जो सीड्स हैं या जेनेटिक मटेरियल है उसे स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर जो इनको सीड्स को या जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, जो कि -96 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो ये था एक्सीटू और इनसीटू कंजर्वेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।